अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज का सीन ऐसा लगा, आज आपसे दो काम दो बातें की जाएंगी, जिसमें पहला ये कि आपको रूम टूर कराया जाएगा अपना, दिखाऊंगा आपको मैं कहाँ पे रह रहा हूँ और किस हाल में रह रहा हूँ, मतलब कौन सी जगह में रह रहा हूँ, तो वो कराया जाएगा। और दूसरी बात, आपको एलिकोस के बारे में आज बताया जाएगा, एलिकोस क्या चीज़ होती है और एलिकोस कौन सी बिला है, तो स्टे कनेक्टेड, दिखाते हैं आपको। ये है भाई अपना रूम, और हम यहाँ से एंटर होते हैं दरवाज़े, और दरवाजे के पीछे भाई ने आपका रखा हुआ अटैची अपना, जो पाकिस्तान से लेकर आए थे, इसमें सारा जो अभी जो काम ऐसा चीज़ें भी हैं जो नहीं चाहिए मुझे, तो वो भी इसके अंदर रखी हुई हैं। तो उसके बाद अपना आता है मिरर, और ये आपका भाई है, और इधर हीटर वगैरह लगाया हुआ, इधर खाने वगैरह का सारा सारा सामान किया हुआ, जब भूख वगैरह लगे रात को तो ये खा लिया जाता है, तो ये सब कुछ भरा हुआ, और वो लैम्प भरा है, और ये विंडो है, और इसके साथ सामने वाले घर में गोरिया का रेस्टोरेंट है, तो उनकी आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं, दिल लगा रहता है। अब ये अपना बेड वगैरह भरा हुआ है, जो कि अभी भी साफ़ किया काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि वीडियो के लिए साफ़ किया है, लेकिन करना नहीं था, लेकिन आपके लिए कर दिए कि लोग समझे ना कि यार गंदा बहुत है ये। और उसके अलावा अपना बैग वगैरह भरा हुआ है, जो आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो जा नहीं रहे, तो उसलिए बेचारा उधर ही पड़ा हुआ है, महीने से उधर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अपनी अलमारी, और अलमारी आपको खोल के दिखा दी जाए, अलमारी में भाई कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, ये कपड़े वगैरह सारे रखे हुए हैं इसमें, तो ये अपना रूम था। और ऊपर दिखा दीजिए, ऊपर ये लाइट है, ऊपर ये लाइट है अपनी, और यहाँ से सारा ऐसा व्यू है रूम का, तो ये व्यू है रूम का। बात करते हैं काम की। सबसे पहले बता दिया जाए, एलिको स्टैंड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्स फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स, मतलब कि इसका दूसरा का नाम कैसे, इसको आप आइट्स भी कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो ये बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं, अगर एलिको आपको क्यों लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है आइट्स में 6 बैंड्स। तो अगर आपके आइट्स में 6 बैंड्स नहीं आए, मतलब किसी मॉड्यूल में आपके 5 आ गए, मतलब लेट्स सपोज रीडिंग में आपके 5 आ गए, लेकिन आपको चाहिए थे 5.5 या 6, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि आप आइट्स दोबारा रिपीट कर लें, या एलिकोस के साथ अपना ऑफर लेटर भेज दें यूनिवर्सिटी में। एलिकोस में अगर जाएंगे तो उसका प्रोसेस ये होता है कि उसकी 3,000 से लेकर 5,000 तक फीस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिग्री की आपकी जो फीस है वो 15,000 है, अगर आप उसके साथ एलिकोस भी करेंगे तो उसका 4 to 5,000 होता है, यूनिवर्सिटी से डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी है और कौन सी सिटी में है। जिसना मेलबर्न सिटी में रहेंगे तो उसका एलिकोस की फीस ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप रीजनल एरिया में जाएंगे, तो पर्थ एडिलेड और साउथ ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे जाएंगे, तस्मेनिया जाएंगे, तो उसमें आपकी फीस थोड़ी कम होगी, लेकिन फीस होती है 3,000 से लेकर 4,000 या 5,000 तक इसकी फीस होती है। तो एलिकोस जो बेसिकली होता है वो 10 वीक्स का होता है, मतलब 2 ढाई से 3 महीने का एलिकोस होता है, और वो आपको हर रोज उसकी क्लास अटेंड करनी पड़ती है, आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, फिर आपका उसका पेपर होता है, तो पेपर आपने पास करना होता है, और अगर आप वो पास कर लें तो आपको एलिकोस, मतलब एलिकोस या आइट्स आपका खत्म हो जाता है और आपकी डिग्री दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका आइट्स क्लियर नहीं होता, पाकिस्तान इंडिया इस तरह की बहुत सी कंट्रीज में होते हैं, इनको आइट्स नहीं हो रहा होता। पाकिस्तान में जो आइट्स की फीस होती है टेस्ट की, तो 35,000 से लेकर 40,000 तक इसकी फीस होती है, तो ये लगाना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू 4 से 5 लाख ज्यादा खर्च करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपना आइट्स दोबारा रिपीट कर लें, दोबारा कोशिश कर लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और अपने घर वालों के 4 से 5 लाख बचाएं। एलिकोस का आप बता दीजिए, एलिकोस में 4 चीजें होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। यह है कि कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, 3 से 4 महीने का वीजा होता है, जिसमें वो खाली एलिकोस करते हैं, बाद में उन पर डिपेंड करता है कि अपनी वो वीजा एक्सटेंशन करवाएं ना करवाएं, अगर आप वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये सीन है इसके एलिकोस के। अगर आपको आइट्स करने में कोई ना कोई मुश्किल हो रही है, तो मेरी वीडियो मैंने आइट्स पर बनाई हुई है, कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री, जी फ्री, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख सकते हैं, तो उसका काफी फायदा होगा। वीडियो में मैंने काफी फ्री वेबसाइट्स भी बताई हुई हैं, जिस पे आप जाकर फ्री तैयारी कर सकते हैं, तो काम की चीज है, वो चेक करें जाकर, तो उसका फायदा होगा, और घर वालों के 4 से 5 लाख बचाएं। ऑस्ट्रेलिया में है कि अगर आप अपने बैचलर्स में आए, डिग्री में आए, तो आप 20 घंटे काम कर सकते हैं हफ्ते में, लेकिन एलिकोस का ये है, इसमें आप काम नहीं कर सकते,
मतलब एक भी घंटा काम नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपका इलीगल कंसीडर होगा। तो ये सीन है एलिकोस का। और उसके अलावा एलिकोस इतना मुश्किल नहीं होता यहाँ पे, ज्यादातर आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में चीन के ही मिलेंगे, चाइनीज इतना, जैपनीज, कोरियन इतना के होते हैं लोग, तो वही मिलेंगे आपको। ये सीन था आज का। होप यू लाइक दिस माई इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो एलिकोस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भी हो रहा है तो आप उसमें डीएम कर मेरे से पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। बाय।